सरकार खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश जारी करने पर कर रही है विचार। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में होगा विचार। बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि इस बारे में अध्यादेश जारी किया जाए या फिर इसे पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सरकार द्वारा अध्यादेश लाने को प्रजातांत्रिक परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी करेगी इसका विरोध। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल अंजान ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को बताया जरूरी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें भी बंटवारा करना चाहती है। सीबीआई इशरत जहां मुठभेड़ मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत में आज आरोप पत्र करेगी दायर। इसके बाद सीबीआई 4 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट करेगी दायर। उत्तराखंड में 16 जून को हुई बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में प्रशासन जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने में युद्ध स्तर पर कर रहा है काम। राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त हुए 1898 मार्गों में से 1322 मार्गों को अस्थायी तौर पर जोड़ा गया। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, सेंसेक्स 211 अंक की गिरावट के साथ 19252 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी भी 61 अंक की गिरावट के साथ 5797 पर खुला। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने कल ब्रुनेई में की मुलाकात। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात में सीमा विवाद सहित परस्पर हितों से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने विपक्ष तथा अमेरिका की गद्दी छोड़ने की चेतावनी को किया खारिज। मिस्र की सरकारी समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के विपक्षियों से समझौता न कर पाने की स्थिति में सेना की इस्लाम समर्थित संविधान को स्थगित करने की योजना। इराक में उग्रवादियों ने कई हमले किए जिसमें 53 लोगों की हुई मौत। इस दौरान 7 उग्रवादी भी मारे गए। हिंसा के इस ताजा दौर से अलगाववाद की वापसी का खतरा हुआ पैदा। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोराल के विशेष विमान में अमेरिकी खुफिया जानकारी को लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडेन के होने की आशंका के चलते विमान को आपात स्थिति में ऑस्ट्रिया में उतारा गया। बोलीविया के विदेश मंत्री डेविड चोके हुआंका ने कहा कि राष्ट्रपति के जीवन को हो सकता था खतरा। इंडोनेशिया के आसे प्रांत में आ जाए शक्तिशाली भूकंप में 6 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत और कई घायल। आसे में आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख सुभान सहारा ने बताया भूकंप में ढह गई एक मस्जिद के मलबे में से 6 बच्चों के शव मिले।